हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या जैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल वेज टू वेज में। आज हम बनाएंगे चीज गार्लिक ब्रेड। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यह एक पैन दिया है, उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर। ये घर का बना हुआ बटर है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। अब सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। अब इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप गार्लिक। मैंने यहाँ 8 to 9 गार्लिक ली है। अब इसे आधा मिनट कुक करेंगे। अब इसमें डालेंगे एक छोटी हरी मिर्ची जिसे फाइनली चॉप कर लिया है। हमें इन्हें 2 मिनट के लिए और कुक करना है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब गार्लिक बटर को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। मैंने यह गार्लिक बटर को निकाल दिया है। अब इसमें 2 पिंच इतना नमक डालेंगे, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, 1 टीस्पून फाइनली चॉप हरा धनिया। अब सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गार्लिक बटर रेडी है। मैंने यहाँ लिया है बर्गर पाव, इसे बर्गर बन भी बोलते हैं। बन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे कट करना है। ये देखिए, मैंने इसे पूरा नीचे तक कट नहीं किया है, सिर्फ इधर तक कट किया है। सबको इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ 4 कट लगाए हैं। अब ये साइड 3 कट लगाने हैं। बन को कट करने के बाद इस तरीके से दिखेगा। बन पे अब लगा देंगे गार्लिक बटर। अब हर जगह हमें गार्लिक बटर लगा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें गार्लिक बटर लगा लेना है। अब हमें चाहिए चीज। मैंने यहाँ चीज के 2 क्यूब लिए हैं। चीज को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब बन में चीज को अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए, चीज को हमें इस तरीके से पूरे बन में डाल देना है। अब बन के ऊपर फिर से गार्लिक बटर डाल देंगे। अब ये तैयार है पैन पे जाने के लिए। अब मैं यहाँ एक पैन गरम करूंगी। मैंने यहाँ वही पैन लिया है जिसमें मैंने गार्लिक बटर बनाया था। अब इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इस पे रख देंगे चीज गार्लिक ब्रेड। चीज गार्लिक ब्रेड को 5 मिनट के लिए हम कवर करके लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। चीज गार्लिक ब्रेड रेडी हो गया है। ये देखिए, चीज भी कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है और बेस भी थोड़ा क्रिस्पी हो गया है। ये देखिए, चीज गार्लिक ब्रेड कितना अच्छा बना है और दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। आपने देखा ही है कि इसे बनाना कितना आसान है और कितने कम समय में बन जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।